जय गुरु। गुरु को अपना समझना चाहिए। माँ बाप पुत्र इत्यादि घर के लोगों का ख्याल करते समय जिससे उनका चेहरा भी याद आए, उनकी भर्सना का भय करने की अपेक्षा प्रेम का भय करना ही अच्छा है। मैं यदि अन्याय करूं तो उनके प्राण में व्यथा लगेगी। सब समय उन्हें अनुसरण करने की चेष्टा करो। वे जो कहे यत्न के साथ उनका पालन करो। अभ्यास में चरित्रगत करने की चेष्टा करो और वही साधना है। श्री श्री पितृदेव बोल रहे हैं, अनुसरण का आशय क्या है? इसका आशय अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। एक कथन में अनुसरण का आशय है उनके या गुरु द्वारा निर्देशित पथ पर चलना। उन्होंने जब जिस तरह से चलने के लिए कहा है उसी तरह चलना। अनेक लोग अनुसरण और अनुकरण के बीच के भेद को समझ नहीं पाते हैं। दोनों शब्दों का अर्थ संपूर्ण रूप से अलग है। अनुकरण अर्थात श्री ठाकुर जी जिस तरह तकिए पर टेक लगाकर बैठते थे, गड़गड़ा या नारगेल पीते थे इत्यादि मनुष्य अनुकरण करना चाहता है, यह ठीक नहीं है। तथापि तुम श्री ठाकुर जी जैसे सोलो आना या पूर्ण बनने के बाद ऐसा भी कर सकते हो, किंतु उससे पहले नहीं। इसे स्मरण रखना होगा और यह उल्लेखनीय भी है और अनुसरण करने के लिए बहुत कुछ है, हम उन्हें नहीं करते हैं। जैसे नाक साफ करने के बाद दांत में हाथ लगाने इत्यादि के बाद हाथ धो लेना और फिर गुरुजनों के साथ चारों के साथ पापियों के साथ अन्यायकारियों के साथ श्री ठाकुर जी कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, जिसके साथ जैसे कहना चाहिए ठीक ऐसा ही करना है, ये सब अनुसरण करना है। श्री ठाकुर जी जो कुछ कहते हैं यत्न के साथ उनकी रक्षा करते हुए अभ्यास में चरित्रगत करने के लिए नियत चेष्टा करना है। नियत रूप से इस प्रकार चेष्टा करने को ही श्री ठाकुर जी ने सहज भाषा में साधना कहा है। जय गुरु।